आप भी इस बात से पूरी तरीके से सहमत है कि अब तो अरविंद केजरीवाल वाकई मुश्किलों के भंवर में पूरी तरीके से फंस चुके हैं? नहीं, यदि एक व्यक्ति के ऊपर चारों तरफ से पूरी शक्ति झोंक दी जाए कि हाँ उसे फंसाना है, उलझाना है, भटकाना है, लटकाना है, तो स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है। संस्था है, जांच एजेंसियां हैं, कोर्ट है, हमारा काम है उसका सम्मान करना। हम उसका सम्मान कर रहे हैं। आज कोर्ट बुलाती है, कोर्ट आ जाओ, हम कोर्ट चले जाते हैं। आज ईडी बुलाती है, हम ईडी चले जाते हैं। सीबीआई बुलाती है, सीबीआई में चले जाते हैं। अब सीबीआई बुलाती है गवाह के तौर पे, चुपचाप बैठे, दो साल बाद कब आरोपी बना देती है ये सीबीआई जाने। तो भी कहने का मतलब ये है कि जो षड्यंत्र होता है ये बड़ा ही शातिर दिमाग के साथ रचा जाता है ये खेल। इसको समझना आसान नहीं है। और सबसे बड़ा खेल क्या है यहाँ पे, दो चीजें अपने आप में साबित कर देती है कि ये षड्यंत्र है। राहुल साहब ने वो कोर्ट का फैसला बिना अपलोड किए ईडी का हाई कोर्ट में जाना, हाई कोर्ट का बिना अपलोड निर्णय के ये निर्णय देना अष्टगन आदेश का, उसके बाद उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बयान, ये अपने आप में सारी कहानी बयां कर रहे हैं कि हाँ एक षड्यंत्र है, पार्टी को तोड़ने की साजिश की जा रही है। और आज जो कोर्ट में बयान रखा गया सीबीआई की तरफ से कि भाई मनीष के ऊपर सारा ये सारी चीजें जो है बदनाम करने के लिए जो ठिकरा फोड़ा जा रहा है, जो कि अरविंद केजरीवाल ने खुद वहां पे कहा है कि मेरा ऐसा कोई भी बयान नहीं, और हमने नहीं कहा, ना पार्टी गलत, ना मैं गलत, ना मनीष सिसोदिया गलत है। तो इसका मतलब कि पार्टी तोड़ने के, अब यहाँ पे ये संस्था भी काम कर रही है कि मनीष वर्सेस केजरीवाल करो, इनके पार्टी को तोड़ो, ये षड्यंत्र किया जा रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि एक ताकतवर व्यक्ति जब कहीं जीत नहीं पाता तो अपने शक्ति का प्रयोग करता है। अब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार अपने शक्ति के प्रयोग पे आ गई आम आदमी पार्टी को लेकर, भाई जनता के बीच तो हम जीत नहीं पा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, अब ये शक्ति लगाओ, ताकत लगाओ, इन्हें तोड़ो। अब ये तोड़ना कहाँ तक सफल होते हैं, शुभकामना है केजरीवाल जी को, जनता को बधाई है, जनता अपना केजरीवाल जी के साथ है, इसकी शुभकामना है, जनता आम आदमी पार्टी के साथ है, जनता दिल्ली के मुद्दों के साथ है। ठीक है, सर्वेश जी से जवाब ले लेते हैं। इन्होंने सीधा सीधा देश की न्यायालय व्यवस्था पे आरोप गढ़ दिया। वही न्यायालय जब संजय सिंह को जमानत देता है तो पटाखे फोड़ते हैं, कहते हैं सत्य की जीत हुई है। वही न्यायालय जब हाईकोर्ट उस पे अस्थगन प्रस्ताव लाके रोक देता है तो कहते हैं कि सब संयंत्र के कारण हो रहा है। अब देखिए कि इनकी मानसिकता क्या है, उसी न्यायालय पे ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। अरे मैं तो बार बार कहता हूँ आपके शो में, ये केजरीवाल जो है एक सबसे बड़ा नौटंकीबाज, उसके बाद आतिशी नौटंकीबाज, एक से एक नौटंकीबाज। इस 63 एमएलए की जो पूरी विशाल पार्टी है उसमें भरे पड़े हैं। अभी इन्होंने कहा जीत नहीं पाते, अरे दिल्ली में अभी चुनाव था, सातों की सातों सीटें बीजेपी जीत के ले गई, आपके समक्ष था। सुप्रीम कोर्ट ने अलग से आपके लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए अरविंद केजरीवाल को स्पेशली जेल से बाहर अंतरिम जमानत पे निकाला, तब तो आप बहुत खुश हुए थे। और आप देखिए अभी अभी ये आरोप प्रत्यारोप देश की न्याय व्यवस्था पे लगा रहे हैं। इनकी मानसिकता वही है कि इनके अनुरूप अगर कोर्ट फैसला दे दे तो कोर्ट सर्वोपरि है, अगर कोर्ट फैसला ना दे तो संयंत्र हो रहा है। दूसरी बात आप याद रखिए कि केजरीवाल जी जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए हैं, कोई उनपे डेटा या पॉलिटिकल मुकदमा नहीं है जिनके कारण वो जेल में बैठे हैं। और ये एजेंसी तो चल रही थी, सीबीआई के पास केस पहले से भी था। तो जब ये बात जांच हो रही है, आपको न्यायालय में आस्था है तो आप आस्था बनाए रखिए ना। उसी न्यायालय ने आपको अंतरिम जमानत दी थी चुनाव प्रचार करने के लिए, उसके बाद आपने नौटंकी किया, बीमारी का बहाना बनाया, लेकिन वो भी नहीं चली। अगर सचमुच में वो बीमारी होता तो आप कोर्ट में जाते और कोर्ट आपको पूरा एम्स में ले जाके पूरी जांच पड़ताल करवाता, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और अपने द्वारा चलाया जा रहा है दिल्ली में अस्पताल था, उसमें उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल में जाके। इस बात की बहुत तकलीफ है क्योंकि आप हर डिबेट में इस बात का जिक्र करते। लौटेंगे सर्वे।
रहे जी? कर रहा हूँ साजिया जी कि केजरीवाल जी का एजुकेशन मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, वो लेके पूरे देश में जाते हैं, कहते हैं मेरा देखिए मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। जब आपके द्वारा संचालित इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल दिल्ली में है, एक से बड़े बड़े डॉक्टर है, वहां पे क्यों नहीं आपने टेस्ट करवाया, वहां पे जांच क्यों नहीं करवाया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जांच जाके क्यों करवा रहे हैं? संजय जी बिल्कुल लौटूंगी, मैं इनको जवाब दे दूं। और इनकी बुद्धि पे तरस आती है मुझे कि ये लोग कहाँ से पढ़ के आते हैं। पॉलिटिकल वेंडेटा किसे कहते हैं साहब, जरा इनसे पूछिए। अरे तो इन्होंने सब तो बता दिया, खुद सर पॉलिटिकल वेंडेटा तो इन्होंने बोल दिया। अरे पॉलिटिकल वेंडेटा इसी को तो बोलते हैं जो आरोप लगाए जाते हैं। सिद्ध जब हो जाएंगे तब कहेंगे पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। अब इन्हें कुछ भी बोलने के लिए चाहिए पैसा। अरे यार तब नहीं था, ज्यादा बोलने से कोई अच्छा वक्ता नहीं होता, ठीक से बोलिए। इन्होंने कहा, अरे सुना करो यार, पढ़ लिख के आया करो, दूसरे पे आप आराम से बात करें और ठीक से अपनी बारे में बात करें। मेरा ये बोलना है, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को उनका यदि स्वास्थ्य मॉडल ठीक है तो किस हॉस्पिटल में कराना चाहिए था उनको इलाज? कोई प्रोटोकॉल है या नहीं है? क्या बोलने से पहले कुछ सोचिए आप लोग। मेरा ये बोलना है कि आम जनमानस के लिए जो व्यवस्था किया गया है वो यदि कम होता तो 70 में से 67 सीटें नहीं मिलती। यदि उन्होंने व्यवस्था ठीक नहीं की होती, यदि शिक्षा पे स्वास्थ्य पे काम नहीं किया होता, तो मैं कहता हूँ कि 70 में से 62 सीटें जनता उनको नहीं देती। आपको क्यों नहीं दे रही है? आप 3 सीटों पे सिमट जाते हैं, 8 सीटों पे सिमट जाते हैं। ये भी नहीं भूल सकते संजय जी कि दिल्ली की 7 लोकसभा में से एक भी सीट नहीं मिली है। लोहिया जी प्लीज जो आरोप लग रहे हैं यहाँ पर आइए थोड़ा सा आगे, उसमें जरा भी सच्चाई है या नहीं कि सब कुछ बीजेपी की निशानदेही पर हो रहा है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल मुसीबतों में फंसते चले जा रहे हैं, कभी ईडी तो कभी सीबीआई, उन्हीं के भंवर से निकल नहीं पा रहे। अब मुसीबतों में क्यों नहीं फंसेंगे? घोटाला किसी और ने थोड़ी किया है, घोटाला तो अरविंद केजरीवाल की पूरी फौज ने किया, जो 62 विधायक हैं, पूरी सरकार ने किया है घोटाला। तो अब घोटाला कर रहे अरविंद केजरीवाल, उसके भुगते कोई और, ये कैसे हो सकता है? अभी मेरे मित्र आरोप लगा रहे थे भाजपा के ऊपर, बड़ा आसान है। आप लोगों को केवल मोदी फोबिया हो गया, आपको मोदी दिखाई देता है बस। कुछ भी कर रहे मोदी कर रहे, आम आदमी पार्टी का मोदी दंग कर रहे। अरे भैया भ्रष्टाचार के आरोप, आपने कहा ना आरोप सिद्ध नहीं हुए, मैं भी कह रहा हूँ अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, लेकिन आरोप तो हैं। और वो आरोप हैं जिनके लिए केजरीवाल 2013 में चिल्ला के क्या बोलते थे, बंद कर दो ईडीसीबीआई। आज अगर वही ईडीसीबीआई अगर कार्रवाई कर रही है तो आज भाजपा करवा रही है। और सबसे बड़ी बात साजिद जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इनसे ये पूछिए कि इस मामले की शिकायतकर्ता कौन है भाई? आप भाजपा को क्यों कोस रहे हो? अरे इस मामले की शिकायतकर्ता तो कांग्रेस है, आप कांग्रेस से पूछिए ये सवाल। तो रही बात आपके मॉडल की, आपका सांसद है राघव चड्ढा जी, आंख का इलाज करवाने कहां जा रहे हैं भाई? पूरी दुनिया जान रही है। अगर आपके इतने अच्छा मॉडल, आपका स्वास्थ्य मॉडल है दिल्ली में, आपने अगर इतने अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं तो इलाज करवाइए ना। यहाँ गरीबों को तो मारने के लिए छोड़ रहे हो, और आपके पास क्योंकि आप एमपी हो, सांसद हो, आपके पास पैसा है, आप विदेश में जाके अपना इलाज कराओगे? ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। ठीक है साजिद, मेरी बात पूरी हो जानती है। आप ये तो अभी केवल आरोप है, और ये एक आरोप नहीं है साजिद, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को। डीटीसी घोटाला हम उठाते आ रहे हैं शुरू से, शराब घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, दवाई घोटाला, और घोटालों में घोटाला, ये है केजरीवाल की सच्चाई। केजरीवाल की सच्चाई है, अगर राउज एवेन्यू कोर्ट उनको जमानत दे देती है, और वही अगर संस्था हाई कोर्ट चली जाती है, जब राउज एवेन्यू कोर्ट उनकी बात को नहीं सुनती है तो उनका स्वतंत्र अधिकार है, वो बड़ी कोर्ट में जाए। आप लोग नहीं कहते सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, वो लोग दूसरी बड़ी कोर्ट। गोपाल तिवारी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए, और जो लोहिया जी बात कह रहे हैं कि स्वतंत्रता है पूरी, उसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं लग रहा कि कोई सफलता मिल रही है, न्याय नहीं हो पा रहा है, तो आप कोर्ट का रुख करिए, बड़ी कोर्ट का रुख करिए, हाय तो क्यों कर। देखिए साजिया जी, कोई भी बात बहुत ज्यादा तेज बोली जाए, चीख चिल्ला करके बोली जाए, इसका मतलब वो सच नहीं हो जाती है। ये घोटाले की बात कर रहे हैं, बीते 10 साल में हिंदुस्तान में न जाने कितने घोटाले हुए हैं। अभी हाल फिलहाल एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट आपसे ज्यादा तेज चिल्ला सकता हूँ, एक मिनट। अभी हाल फिलहाल में ही एक मिनट भैया जी प्लीज रुक जाइए, आपके समय पर वो नहीं बोले। सौ गिना रहा हूँ, हाल फिलहाल में ही अभी नीट को लेकर के इतना बड़ा घोटाला हुआ। ठीक है अनिल गर्ग जी, मुस्कुरा रहे हैं आप क्यों?
नहीं, मैं ये सब बातों को सुन रहा था, मुझे समझ में नहीं आया जो कांग्रेस ये कह रही थी कि हाँ हमने शराब घोटाले को उजागर किया, हमारी वजह से मनीष जेल में गया। आज वो केजरीवाल को कह रहे नहीं इसने कोई घोटाला नहीं किया, मनीष ने कोई घोटाला नहीं किया। क्या वक्त आ गया है, वक्त बदल गया है। दूसरी बात, जिस राम मंदिर को बनाने में ये कभी साथ में नहीं थे, राम मंदिर बनाने के पक्ष में नहीं थे, राम मंदिर ना बने इसके लिए जितना प्रयत्न कर सकते थे, आज चिंता व्यक्त कर रहे हैं वहाँ पानी की चार बूंदें क्यों टपक गई, समझ नहीं आ रहा।